तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो गुड लक वाला ऐप होता है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट्स के साथ वहां पर कुछ नए फीचर को ऐड ऑन किया गया है। क्या नया अपडेट है, क्या फीचर को ऐड ऑन किया गया, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि होता है, मैं आपको बता रहा हूँ गुड लक के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है अपने गैलेक्सी स्टोर के और वहाँ जाना है आपको अपडेट्स वाले सेक्शन पे। वहाँ जाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाएंगे या फिर आपको देखेंगे वहाँ पर आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा, जो कि आपको मिल रहा होगा गुड लक वाली ऐप के अंदर। आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे ये नया अपडेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा। इस अपडेट का वर्जन है 2.2.4.54 और आप देखेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है, 21 दिसंबर मतलब कल के दिन इसको रोल आउट किया गया है ये इस अपडेट को, जो कि है 11.11 MB का। आप देख रहे होंगे इस अपडेट में क्या किया गया है, आप देखेंगे इस अपडेट में नया चेंजेस किया गया है। प्लग इन बल्क अपडेट फंक्शन यहाँ पर एड ऑन किया गया है। एक्चुअल में ये वर्क कैसे करेगा वो आपको मैं बता दूँ। तो इसको अपडेट करने से पहले मैं आपको ले जा रहा हूँ गुड लक वाले ऐप में। तो अपडेट करने से पहले मैं आपको ले जा रहा हूँ गुड लक वाली ऐप में। आप इस ऐप में जाएंगे, ऐप में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कोई नया अपडेट आता है तो आपको पर्टिकुलर एक एक ऐप को जाके यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पे जाना पड़ता है, ठीक है, ये होता है। बट अब क्या है, अगर आप यहाँ पर इसको सबको अपडेट करना चाहें तो आप नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑप्शन नहीं आता है, बट इस अपडेट में आपको ये ऑप्शन मिलने वाला है। तो वापस मैं आपको ले जा रहा हूँ वहीं पर गुड लक वाले ऐप के अपडेट, वापस यहीं आ गया और अब इसको ऐप को कर लेता हूँ अपडेट। अपडेट होने के बाद बताता हूँ कि अब आपको इसमें क्या नया चेंजेस मिलने वाला है। फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट। अपडेट करने के बाद आपको कर लेना है इसको ओपन। ओपन करने के बाद देखेंगे आपको कुछ अलग इंटरफेस दिख रहा होगा। ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मेरी क्रिसमस का, मेरी गुड लक का आ रहा है और नीचे आपको जो भी ऐप के अपडेट्स होंगे सबको आपको यहाँ पर अपडेट बता रहा है। आपको मेकअप और लाइफ वाले दो सेक्शन यहाँ पर दिख रहे होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर एन का ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ नया आया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया ऑप्शन दे दिया गया, अपडेट ऑल प्लगइन, मतलब कि जितने भी आपके प्लगइन हैं इसमें सब पे अपडेट्स आया है तो आप सिंपल वन क्लिक पे कर सकते हैं। तो यही नया फीचर यहाँ पर एड ऑन किया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे और वो जितने भी आपके प्लगइन होंगे सबको यहाँ पर और अपडेट करने के लिए ले जाएगा और आपको बता देगा कि इन अपडेट में मैं इसको अपडेट करने वाला हूँ। तो आपको सिंपल इसका अपडेट पे क्लिक करना है और इस अपडेट के लिए क्लिक करने के बाद आपका लॉक स्टार अपडेट हो जाएगा, थीम पार्क अपडेट हो जाएगा, मल्टी स्टार अपडेट हो जाएगा, नेव स्टार अपडेट हो जाएगा और साउंड असिस्टेंट ऐप अपडेट हो जाएगी। तो ये ऐसे काम करने वाला है और टोटल आपको जो साइज रहेगा 125 MB का ये बता रहा है। मतलब कि ओवरऑल जो इसमें अपडेट दिया गया है कि आप यहाँ पर एक साथ अपने सारे ऐप्स को अपडेट कर सकते हैं, जो कि अच्छा खासा अपडेट दिया है। नहीं तो आपको सिंगल सिंगल एक एक ऐप को करना रहता था, अब आप इंडिविजुअल एक बार क्लिक करके सारी ऐप को आप अपडेट कर सकते हैं। तो यही नया अपडेट था। ऐसी नई अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो कर लो। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।